नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। और आज दूसरा दिन है एक्सपो का, तो मैं पहुंच गया हूं एक्सपो में। और अभी मेरे पीछे आप देख रहे हो, ये एक इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर है। जैसे कि हम डीजल ट्रैक्टर यूज़ करते हैं, उसी टाइप से ये एक इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर है जो कि बिजली से चार्ज होता है और डीजल ट्रैक्टर की तरह ही काम करता है। अभी हम इसको पूरा देखेंगे कि क्या इसकी स्पेसिफिकेशन है, कैसे ये काम करता है और कितने किलोवाट की बैटरी है, क्या प्राइस है, पूरी डिटेल में जानकारी आपको देंगे। बने रहना वीडियो में एंड तक। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। ये है ऑटो नेक्स्ट का 45 एचपी का इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर, जिसमें बैटरी लगी है, मोटर लगी है और चार्जिंग करके इसको आप नॉर्मल डीजल ट्रैक्टर की तरह यूज़ कर सकते हो। रियल व्हील ड्राइव है, जैसे कि नॉर्मल ट्रैक्टर होते हैं छोटे। इसमें 35 किलोवाट की बैटरी लगी है और 32 किलोवाट की मोटर है। 8 घंटे चार्जिंग टाइम है और फास्ट चार्ज करेंगे तो 2 घंटे में इसकी बैटरी जो है वो फुल चार्ज हो जाएगी। और इसका जो लिफ्टिंग कैपेसिटी है, 1800 किलो तक वज़न जो है ये अपने हाइड्रोलिक लिफ्ट पे उठा सकता है। ये इसकी मोटी मोटी स्पेसिफिकेशन है। अभी ये जो मॉडल आप देख रहे हो, इनके तीन मॉडल आते हैं। एक 20 का है, 20 एचपी का है, एक 35 एचपी का है और एक 45 एचपी का है। ये वाला जो अभी हम देख रहे हैं ये 45 एचपी का है। और ये जो मॉडल यहाँ पे खड़ा हुआ है, ये एक प्रोटोटाइप है, यानी कि कंपनी ने डिज़ाइन तैयार किया है, R&D की है। फाइनल प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग के लिए अभी शुरू होगा। प्रोटोटाइप का मतलब होता है कि किसी चीज़ को बनाने के पहले उसका एक रफ प्रोडक्ट तैयार किया जाता है, उसके बाद उसकी टेस्टिंग होती है, टेस्टिंग के बाद फिर उसको मास प्रोडक्शन के लिए रेडी किया जाता है, यानी कि असेंबली लाइन जहाँ पे होती है, इसके अलग अलग पार्ट बना के उसके बाद उसको असेंबल किया जाता है। तो इसी तरह से ये एक प्रोटोटाइप है, जिसमें कि आपको प्रॉपर प्रोडक्ट की फिनिश नहीं मिलेगी। जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं, ये इन्होंने डिज़ाइन रेडी कर लिया है, अभी मास प्रोडक्शन के बाद इसका फाइनल प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में आएगा आम लोगों के ख़रीदने के लिए। तो सामने की बात करें तो नॉर्मल ट्रैक्टर की तरह यहाँ पे मेटल का बोनट है, आगे का फ्रेम है, LED लाइटिंग है। ये जस्ट एक दिखाने के लिए है, प्रॉपर जो लाइट होगी वो कुछ अलग तरह की दिखेगी। प्रोटोटाइप के बाद भी जो मेन प्रोडक्ट आता है उसमें काफ़ी सारे चेंजेस जो हैं वो कर दिए जाते हैं टेस्टिंग के बाद, और जो भी कस्टमर के रिव्यू होते हैं देखने के बाद, तो वो चेंजेस इसमें अभी होने बाकी हैं। आगे की तरफ आपको 750/16 के व्हील मिलेंगे और पावर स्टेयरिंग मिलेगा। यहाँ पे कंपनी के नाम की बैजिंग है, ऑटो नेक्स्ट 45 एचपी का इसकी कैपेसिटी जो है वो लिखी हुई है। तो अभी इसके ऊपर बैठ के इसका बाकी का सिस्टम देखते हैं। यहाँ पे हाई लो का गियर दिया हुआ है और दूसरी साइड पे 4+1 यानी कि 4 गियर आगे के हैं और एक बैक गियर है। साइड शिफ्टिंग गियर सिस्टम यहाँ पे लगा हुआ है, एक रिवर्स है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, मैनुअल गियर बॉक्स है इसका। हालांकि अगर आप इलेक्ट्रिक गाड़ियों की हम बात करें तो वहाँ पे आपको फुली ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिलती है, और नॉर्मल ट्रैक्टर की तरह यहाँ पे आपको जो पीछे का हाइड्रोलिक लिफ्ट होता है उसको उठाने के लिए कंट्रोल दिए हुए हैं राइट साइड पे, और लेफ्ट साइड पे आपको यहाँ पे PTO का लीवर मिलता है, और यहाँ पे आपको कछुआ और खरगोश यानी कि हाई लो का गियर मिलता है। हाई लो स्पीड आप चेंज कर सकते हैं। और ये है इसका स्टेयरिंग व्हील। स्टेयरिंग व्हील के लेफ्ट साइड अगर देखें, ये जो सिस्टम मैं आपको दिखा रहा हूँ ये पूरा, जैसे कि मैंने बताया कि ये प्रोटोटाइप है, ये पूरा चेंज हो जाएगा पैनल बाद में। यहाँ पे लाइटिंग के कंट्रोल है और यहाँ पे इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर लगा हुआ है, डिजिटल डिस्प्ले, और यहाँ पे इसका ऑन ऑफ वाला स्विच है,
लेफ्ट साइड पे आपको क्लच पैडल मिल जाएगा और राइट साइड पे नॉर्मल ट्रैक्टर की तरह लेफ्ट और राइट ब्रेक पैडल आप इंडिविजुअली भी यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे फुट पैडल है और ये हाथ से स्पीड बढ़ाने के लिए। और अगर हम इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करें तो यहाँ पे आपको आरपीएम दिखाएगा, लाइट का कंट्रोल दिखाएगा, टोटल डिस्टेंस कितना हुआ है, टेम्परेचर कितना है मोटर का, वोल्टेज कितनी है, एम्पियर कितने जा रहे हैं, मोड कौन सा लगा हुआ है और स्पीड कितनी है, बैटरी की परसेंटेज कितनी है और यहाँ पे गियर कितने कौन सा है, रिवर्स है या ड्राइव है। और यहाँ पे कुछ और कंट्रोल्स हैं जो कि इंडिकेटर और लाइट्स वगैरह के हैं और हॉर्न की स्विच दी हुई है। तो ये इसकी इग्निशन स्विच है, ये डेमो मॉडल है इसलिए डिस्प्ले जो है वो ऑलवेज ऑन रखी गई है। तो यहाँ से इसको ऑन करके ये वाली स्विच अगर प्रेस करते हैं तो इसकी जो मोटर है, अभी इसकी मोटर ऑन हो चुकी है, मेरे को आवाज़ सुनाई दे रही है। और उसके साथ ही इसका जो पावर स्टीयरिंग है वो भी काम करने लगा, स्टीयरिंग काफ़ी स्मूथ है, मोटर मैंने बंद कर दी अभी। और ये जो आवाज़ अभी आप सुन रहे हो ये कूलिंग फैन की है। पीछे की तरफ अगर बात करें तो नॉर्मल ट्रैक्टर की तरह हाइड्रोलिक लिफ्ट मिलती है और यहाँ पे आपको अलग से एक चैनल मिल जाता है हाइड्रोलिक जैक वाली ट्राली वगैरह लगाने के लिए या कोई और इक्विपमेंट आप यहाँ पे लगा सकते हैं। तो इसका जो जैसे कि डीजल ट्रैक्टर होता है, एक बार मैं नीचे उतर जाता हूँ, जैसे कि जो डीजल ट्रैक्टर होता है उसमें हम इंजन को स्टार्ट करते हैं अगर हमने हाइड्रोलिक को यूज़ करना, तो उसी टाइप से यहाँ पे अगर आपको चलाना नहीं है ट्रैक्टर, हाइड्रोलिक यूज़ करना, तो आपको मोटर ऑन करनी है और इसको आप ऊपर नीचे कर सकते हो। और ऐसे ही इसका पीटीओ जो है, ये पीटीओ शाफ्ट जो है, ये भी पीटीओ शाफ्ट भी ऐसे ही काम करती है। जैसे कि अभी हमने मोटर को ऑन किया है और अभी जब हम लीवर को ऊपर करेंगे तो ये जो आपकी हाइड्रोलिक लिफ्ट है ये ऊपर आ रही है। तो इसका जो वेट कैरिंग कैपेसिटी है वो अलग अलग मॉडल के हिसाब से अलग अलग रहती है। अगर इस वाले मॉडल की बात करें तो ये 1800 किलो तक वज़न जो है वो उठा सकती है अपने हाइड्रोलिक लिफ्ट के ऊपर। तो जैसे ही आपने इसको ऊपर किया उसके बाद आप मोटर को बंद भी कर सकते हैं, ये यहीं पर आपकी जो लिफ्ट है वो लॉक हो जाएगी। और यहाँ पे इसका चार्जिंग जो आप लगा सकते हैं, यहाँ से इसकी चार्जिंग इनपुट होगी। यहाँ पे दो टाइप के चार्जर लगते हैं, यहाँ पे आपका नॉर्मल चार्जर लगेगा जो कि 16 एम्पीयर के सॉकेट में आप घर पे लगा के ट्रैक्टर को चार्ज कर सकते हैं। और ये फास्ट चार्जिंग के लिए, ये ऊपर वाला एसी इनपुट होता है और ये डीसी इनपुट होता है जो कि डायरेक्ट बैटरी को 2 घंटे में चार्ज कर देगा। अगर आप ऊपर वाला चार्जर यूज़ करते हैं जो साथ में मिलेगा आपको ट्रैक्टर के, तो फिर आप 8 घंटे में इसको फुली चार्ज कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको एक मोबाइल एप्लीकेशन भी मिलती है, जो ये ट्रैक्टर है इसके अंदर एक सिम डलेगा जो कि ट्रैक्टर को इंटरनेट के साथ कनेक्टेड रखेगा एवरी टाइम, और जो भी इसका डेटा है वो सर्वर को भेजेगा, फिर वहाँ से सर्वर के बाद आपकी ऐप पे सारा डेटा आपको मिल जाएगा। जैसे ये वाली डिवाइस है, इसको हम ओपन करेंगे तो ये यहाँ पे ट्रैक्टर का जो नाम है और पार्किंग में है, चार्ज हो रहा है या नहीं, कितने घंटे बाकी हैं चार्जिंग होने में, लोकेशन क्या है और आगे उसका टेम्परेचर क्या है, वहाँ पे वेदर क्या है। और यहाँ पे आपको किलोमीटर आवर्स मिल जाएंगे, यानी कि कितने किलोमीटर या कितने घंटे आपकी जो मशीन है वो चल चुकी है अभी तक। और यहाँ पे ये बैटरी का स्टेटस आपको दिखा देगा। और जो सेंटर में बटन है ये इंजन स्टार्ट स्टॉप का है, आप इसको रिमोटली ऑन या ऑफ कर सकते हैं। और अभी आगे आने वाले टाइम में इनका एक और प्रोजेक्ट चल रहा है जिसको ड्राइवरलेस ट्रैक्टर ये बना रहे हैं, और इस ट्रैक्टर को भी आप ड्राइवरलेस बनवा सकते हैं, यानी कि जैसे आप स्टार्ट इंजन पे क्लिक करोगे तो इंजन स्टार्ट हो जाएगा और यहाँ पे आपका आगे का कैमरा या पीछे का कैमरा जो भी आप देखना चाहते हो वो आपको दिखाई देगा ट्रैक्टर के आगे पीछे साइड में क्या है। और यहाँ से आप इसको मूव कर सकते हो आगे पीछे, लेफ्ट राइट मोड़ के कहीं पर भी आप इसको मूव कर सकते हो। तो काफ़ी अच्छी चीज़ें, नई नई चीज़ें देखने को मिल रही हैं। अभी थोड़ी सी इनसे बात करते हैं, ट्रैक्टर के बारे में हमें बताएँगे। हेलो सर। हेलो, थोड़ा कंपनी के बारे में बता दीजिए व्यूअर्स को। नमस्ते, हमारा कंपनी का नाम है ऑटोनेक्स ऑटोमेशन। हम मुंबई बेस्ड कंपनी है जो इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर
इलेक्ट्रिक एंड ड्राइवरलेस ट्रैक्टर बनाते हैं। तो ये जो ट्रैक्टर है हमारा, ये एक 45 HP का इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर है। और इसका आप देख सकते हैं, ये जो ट्रैक्टर का जो पावर है वो एक 60 HP डीजल ट्रैक्टर जितना ये पावर दे सकता है। ठीक है, ये ट्रैक्टर ने सब इम्प्लीमेंट जो आप बोल सकते हैं, कल्टीवेटर, रोटावेटर, बेलर, थ्रेशर, इसने सब काम किया है। और इसका सब हमने प्रॉपरली इसको मेजर करके हमने इसका सब निकाला है वीडियो। तो अभी इसकी टेस्टिंग वगैरह हो चुकी है प्रॉपर फील्ड में, रोड पे सभी तरह की? यस, इसका टेस्टिंग जो है वो हमने सब प्रॉपर फील्ड पे किया है, पंजाब में ही हमने इसका टेस्टिंग किया है। आपने, आपकी कंपनी ने खुद किया है या मतलब आपने किसी कस्टमर को या B2B बिजनेस में किसी को दे के ये टेस्टिंग करवाई है, और उनके क्या रिव्यू है मतलब इसको? हमने ये खुद भी टेस्टिंग किया है और हमने B2B कस्टमर्स को भी दिया है, कंपनीज को दिया है जिन्होंने खुद ये ट्रैक्टर चला के, जो फार्मर्स है उनने खुद ट्रैक्टर चलाया और उनके हिसाब से तो ये ट्रैक्टर बहुत बड़ा हिट है। उनको जो पावर मिला है ये एक ट्रैक्टर में से इलेक्ट्रिक होके भी, वो बहुत ज़्यादा है एक नॉर्मल डीजल ट्रैक्टर से, तो उनको तो ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा लगा है। और प्राइस वाइज क्या है, मतलब 3 मॉडल आपके आते हैं तो उनके क्या क्या प्राइस होने वाले हैं? तो बिना सब्सिडी के प्रॉपर अगर कस्टमर कोई भी खरीदता है तो उसके लिए क्या होगा? तो ये जो मॉडल है, जो 45 HP और जो 38 किलोवाट बैटरी पैक के साथ, ये बिना सब्सिडी के ये 14 लाख में आपको मिलेगा। ये ऑन रोड प्राइस है या एक्स शोरूम प्राइस? ऑन रोड प्राइस। ठीक है, मतलब इसका रजिस्ट्रेशन का क्या है, दूसरे ट्रैक्टर्स की तरह होता है या कोई अलग कंडीशन है इसमें? देखिए, दूसरे ट्रैक्टर जैसे रजिस्ट्रेशन होगा, बट उसके लिए जो ARI का सर्टिफिकेट चाहिए, वो सर्टिफिकेट के लिए हमने अप्लाई किया है। वो सर्टिफिकेट मिलने के बाद हम कस्टमर्स को भेज सकते हैं, फिर क्लाइंट्स को या तो फार्मर जो भी है इंडिविजुअली हम भेज सकते हैं। तो अभी कितना टाइम इसको लगेगा टेस्टिंग पूरा होने में और मार्केट में आने के, यानी कि लोग कब इसकी बुकिंग जो है वो ले सकते हैं अगर किसी ने खरीदना है? तो बुकिंग जो कस्टमर जो मार्केट रेडी जो रहेगा वो अगले 2-3 महीने में रेडी हो जाएगा। तो 2-3 महीने में आप ये प्रॉपर मार्केट रेडी आप देख सकते हैं, डेमो के लिए लेके जा सकते हैं। तो अगर आप एक फार्मर है, आप खुद 1 हफ्ते के लिए लीजिए ट्रैक्टर, अपने खेत में चलाइए, फिर आप देखिए आपको खरीदना है। नहीं, अगर आपका मतलब कंसेप्ट क्या होने वाला है बेचने का, लोग ऑनलाइन बुक करेंगे या कहीं पे आप डीलरशिप देने वाले हो स्टेट में, या कैसे ले सकते हैं? सो हम डीलरशिप ओपन करने वाले हैं, जो डीलर्स आके उन लोग ये लेंगे बुकिंग्स, आप डीलर का कांटेक्ट करेंगे, फिर आप लेस ऑर्डर करेंगे, फिर आपको ट्रैक्टर मिल जाएगा। और सर्विस का जो है, इसकी वारंटी वगैरह क्या है, और सर्विस आप कहाँ पे देने वाले हो, डीलरशिप पे ही होगी या फिर कस्टमर की साइट पे आप वारंटी वगैरह देने वाले? देखिए, जो सर्विसिंग का है वो अभी भी चालू है बात, कैसा रहने वाला है। बट अगर सर्विसिंग के मैं बात करूँ तो बैटरी का आपको 5 साल का सर्विसिंग है, बट वारंटी है आपको 5 साल का, बट इसका लाइफ जो है 10 से 15 साल है बैटरी का। और उसके अलावा तो आपको कुछ ऐसा सर्विसिंग की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इंजन नहीं है, रेडिएटर नहीं है, एयर फिल्टर कुछ भी नहीं है, तो आपको वैसा सर्विसिंग कुछ नहीं है। तो बाकी जो सर्विसिंग किधर होने वाला है, डीलर के उधर होने वाला है कि आपके फार्म में आके हम करेंगे, वो बात अभी भी चालू है, वो जैसा लॉन्च होएगा उसके साथ सब डिटेल्स मिल जाएंगे। तो लास्ट क्वेश्चन सर, कि अभी करंट टाइम में कोई स्टेट है पंजाब, हरियाणा, हिमाचल जो सब्सिडी सरकार इस पे दे रही हो, या कोई आने वाले टाइम में जब तक आपका मॉडल रेडी हो जाएगा, बिकने के लिए तैयार हो जाएगा, उस टाइम पे कोई आने वाली स्कीम जो हो, जो स्पेशली ट्रैक्टर्स के लिए हो, इसके बारे में आप बताना चाहो? देखिए, अभी हरियाणा गवर्नमेंट ने 50% सब्सिडी दिया है इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर्स को, यूपी गवर्नमेंट ने चालू कर दिया है, पंजाब गवर्नमेंट ने 2-व्हीलर्स के लिए चालू कर दिया है। तो हम उम्मीद तो करते हैं 1-2 महीने में अभी ट्रैक्टर्स का भी सब्सिडी का चालू हो जाएगा, चाहे वो 4 लाख हो या 5 लाख हो या 50% जैसा ही हो। 50% होगा तो फिर 7.5 लाख में तो मतलब इससे अच्छा तो कुछ नहीं हो सकता, तो मतलब ये एक चांदनी हो जाएगा फार्मर के लिए। और डीजल से तो बहुत अच्छा है, खर्चा भी कम है, क्योंकि आगे के टाइम में तो इसका जो ROI है वो कम से कम होता जाएगा जैसे जैसे डीजल का प्राइस बढ़ रहा है। 3 साल में आपको ये ट्रैक्टर का ROI मिल जाएगा, 3 से 4 साल में। ठीक है, आप वो भी अभी की बात कर रहे हैं, अगर डीजल महंगा हो जाता है 120-100 रुपये हो जाता है तो और जल्दी मिल जाएगा। वही है, बैटरी का भाव जो जाता है, जो प्राइसिंग है बैटरी में मेजरली जाता है, वो नेक्स्ट 1-2 साल में और मैन्युफैक्चरर आएंगे तो और कम हो जाएगा बैटरी, बट डीजल का प्राइस बढ़ते ही जाएगा। क्यों, इसलिए तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं ट्रैक्टर का भी, ईवी ट्रैक्टर्स का भी प्राइस कम होते जाएगा, उसका सर्विसिंग का भी जो जितना भी जा रहा है खर्चा वो भी कम होते जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर और अच्छा होएगा, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर आएगा, रस्ते रस्ते में चार्जिंग स्टेशंस बनेंगे, हमारा ट्रैक्टर वैसे भी इक्विपमेंट है जो किधर भी चार्ज कर सकते हैं इसको, तो इन ऑल ROI बहुत अच्छा रहेगा
उसका नंबर ऑफ ईयर्स भी कम होते जाएगा। तो अभी कुल मिला के बात ये है कि जो भी लोग इस वीडियो को देख के या यहाँ पे जो लोग नहीं आ सकते हैं तो उन्होंने इसको देखने के लिए या टेस्ट ड्राइव लेना, तो 3-4 महीने में आपका हर स्टेट में, जैसे पंजाब की बात करें तो आपका ट्रैक्टर जो है वो अवेलेबल हो जाएगा टेस्ट ड्राइव के लिए। हाँ, 3 महीने में डेमो के लिए, किसी भी को अगर डेमो चाहिए वो 3 महीने में ट्रैक्टर रेडी रहेगा। बाकी आपकी वेबसाइट भी होगी जो वहाँ पे जाके ट्रैक्टर के बारे में इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। वेबसाइट है www.autonext.in, उधर आपको जितना भी हमारा तीनों मॉडल्स जो है ट्रैक्टर का पूरा डिटेल ब्रोशर सब आपको मिल जाएगा, या तो आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, साइट पे सब इन्फॉर्मेशन है, कॉल करके आप जान सकते हैं। डेमो भी जो रह गया वो तभी उधर ही आप बुक कर सकते हैं, डेमो का सब चीज़ें। और इसमें कोई और मॉडल आ रहा है आने वाले टाइम में इससे बड़ा ट्रैक्टर, जैसे 45 का? तो आगे एक 70 HP का भी हम लोग काम कर रहे हैं उस पर, जो अगले 8 से 10 महीने के अंदर आ जाना चाहिए। उसके अलावा हम लोग ड्राइवरलेस ट्रैक्टर पे भी काम कर रहे हैं, जो 6 महीने में आ जाएगा मार्केट लॉन्च के लिए वो ट्रैक्टर। तो ये दो चीज़ पे भी हम काम कर रहे हैं। मतलब टेस्ला से पहले आप टेस्ला ट्रैक्टर लेके आने वाले हो? उम्मीद तो वही है जो वैसा। ठीक है सर, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। देखेंगे जब आपका मॉडल तैयार होके जाएगा फिर आपको दोबारा मिलने आएंगे। थैंक यू। थैंक यू।